बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय दत्त, जिन्हें खलनायक भी कहा जाता है, वो अक्सर अपनी फिल्मों से ज्यादा कंट्रोवर्सी के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो संजय दत्त का एक तस्वीर सामने आई है, जो तस्वीर संजय दत्त की परवेज मुशर्रफ के साथ है। जी हाँ, वही परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान का पूर्व राष्ट्रपति रहा है और सेनाध्यक्ष रहा है, जिसने तख्ता पलट करके पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद हिंदुस्तान पर हमला किया था। कारगिल में हिंदुस्तान के लाखों जवानों की शहीदी इस परवेज मुशर्रफ की वजह से हुई थी, और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संजय दत्त बेसिकली परवेज मुशर्रफ के साथ कर क्या रहे थे। कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें इसके पीछे की सच्चाई ये है, जो एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने बताई है कि एक्सीडेंटली दुबई में संजय दत्त परवेज मुशर्रफ से मिले और किसी ने तस्वीर निकाल ली। ना वो उनसे मिले हैं, बस जाते हुए टकराए और किसी ने तस्वीर खींच ली और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दरअसल संजय दत्त को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संजय दत्त ऐसे बिल्कुल नहीं है। इस तस्वीर की सच्चाई इस पोस्ट से बयां होती है, जिसमें स्पेशली लिखा गया है कि ये जो मीटिंग है वो एक्सीडेंटली है, वो एक्सीडेंटली आप किसी से भी कहीं भी मिल सकते हैं। तो ये इस पूरी खबर की सच्चाई है, पर इस सच्चाई को बिना जाने, बिना परखे और बिना सोचे समझे लोग तरह तरह के कमेंट्स और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, बिना यह जाने कि संजय दत्त इंटेंशनली परवेज मुशर्रफ से ना मिलना चाहते हैं और ना ही मिले हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।